जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग से ये बात बोलने वाला हूँ, जो एसएससी जीडी का जो अभी मेरिट आने वाला है। हाल ही में बहुत कुछ कम दिन बच गया है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरिट के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये इस बार क्या है, पॉइंट मार्क की सिस्टम है, आप लोग को सारे मालूम है। इसमें क्या है, जो लड़कों ने थोड़ा ज़्यादा मार्क रखे हैं और एज ज़्यादा है, यदि कहीं बराबर मार्क हो जाता है ना, जो एज ज़्यादा वालों का उन लोग का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यदि किसी भाई ने पूरा अपने आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा 20 30 25 मार रहे, उनका तो भाई कन्फर्म है ही है, ठीक है। और जिस भाई ने कम से कम अपना कट ऑफ से 5 6 7 मार्क रखे और कट ऑफ जा रहे हैं बराबर, तो बराबर कहीं स्टेट में जा रहे हैं, तो फिर जहाँ पे एज ज़्यादा है ना, उन लोगों को प्रिफरेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो अभी जो 7 8 दिन के बाद जो आ रहा है एसएससी जीडी का जो मेरिट लिस्ट, यदि सपोज 1 2 दिन लेट होने की सोच रहे, तो बिल्कुल लेट होगा ही नहीं, क्योंकि एसएससी ऑफिशियल ऑफिशियली डेट दे चुका है। समझ गए ना दोस्तों, एसएससी जो है ऑफिशियली डेट दे चुका है, इतना तारीख को इसका मेरिट आने वाला है, ठीक है, तो घबराइए मत। दूसरा बात ये दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ, अब जब आ जाएगा मेरिट आ जाएगा, तो आप लोगों को मन में आएगा, टेंशन आएगा, भाई ज्वाइनिंग कब, ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग क्या क्यों नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, सपोज कहीं आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर या कहीं ग्रुप सेंटर, कहीं हेडक्वार्टर्स वगैरह में आप लोग को यदि ज्वाइनिंग करना है, तो आप लोग को पहले देखा जाएगा जो उसी सेंटर में कितना वैकेंसी, कितना स्ट्रेंथ तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, एक जैसे एक स्कूल होता है और ट्रेनिंग सेंटर एक वैसे ही होता है, ठीक है। जितना स्कूल में सपोज 350 की मतलब सीट होता है, इसकी वैसे ही 350 या 400 की स्ट्रेंथ होता है, उसी हिसाब से आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा। यदि आप लोग को कहीं एक इंडिया में, सारे इंडिया में सपोज सीआरपीएफ की टोटल 15,000 पोस्ट है, ये नहीं जो 15,000 को एक ही साथ भेज देगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली होना चाहिए, उसी हिसाब से फेज वाइज ज्वाइनिंग होगा। ये दोस्तों याद रखना, जब मेरिट होगा सभी का एक ही साथ आएगा, ठीक है। पर इन्हीं लोगों का लेट हो सकता है, जिन भाइयों का डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, उन लोगों का मेरिट बन जाएगा, पर उन लोग का ज्वाइनिंग लेट होगा, याद रखना। और बाकी जो ज्वाइनिंग लेट किसका होगा, जो फेज वाइज ज्वाइनिंग होगा। देखिए दोस्तों, जहाँ पहले ट्रेनिंग सेंटर सपोज खाली होगा, पहले 1,000 लड़कों को बुला लेगा, सपोज 5 ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा, फिर 5,000 बुला लेगा, तो इसी हिसाब से आप लोग फेज वाइज एक बार के एक बार आप लोग को ज्वाइनिंग होगा। याद रखिए दोस्तों, फेज वाइज ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि जितना ट्रेनिंग सेंटर खाली रहेगा उसी हिसाब से आप लोग को फेज वाइज ज्वाइनिंग हो जाएगा। दूसरा बात है दोस्तों, ये बोलना चाहता हूँ, 2011 में, 2012 में और 2015 में, ये तीनों जो एसएससी जब तक था ना, उस समय फाइनल मेरिट के टाइम पोस्ट इंक्रीज हुआ था। समझ गए कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, उसी समय जब फाइनल मेरिट था ना, उसी समय इसका पोस्ट इंक्रीज हुआ था। पर इस बार क्योंकि पोस्ट इंक्रीज का कहीं अब तक भी कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले जब 43,000 पोस्ट था, ऑलरेडी 17 से 18,000 पोस्ट बढ़ चुका था पहले ही। तो उस समय क्या है, मेरिट लिस्ट जब तक फाइनल था ना, उसी समय इसका पोस्ट बढ़ा था, तो इस बार बढ़ा नहीं, तो ऑलरेडी जितना में मतलब पोस्ट है, तो उसी हिसाब से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिक्रूटमेंट जितना सीट है, जितना वैकेंसी है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में, उतना ही वैकेंसी के अनुसार ही ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि इसमें आप लोग रूल में पढ़ा होगा, वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसी को बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में होता है, कमीशन के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये बोलना दोस्तों, कहीं झूठ मूठ का यूट्यूब में दिखाते हैं भाई वैकेंसी बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, तो ये नहीं, बिल्कुल वैकेंसी जितना है, 60,000 प्लस जो पोस्ट है, उतना ही पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें वही लड़के जो कटने की चांस है, जो अपना कट ऑफ से 0.70 80 ऐसे कुछ मार्क रखे हैं, जैसे सपोज देखो, जैसे कुछ स्टेटों में गया है 35 36 कट ऑफ गया है, तो वहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क रखेंगे तो फिर मुश्किल होता है। आज जैसे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, यूपी हो, वहाँ पे क्या 80+ मार्क गए, वहाँ पे दोस्तों पॉइंट पॉइंट की 0.1 0.2 इसी हिसाब से ही मेरिट बन जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो वहाँ पे एक मार्क तो नहीं, और उससे भी कम मार्क से भी मेरिट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मतलब पॉइंट पॉइंट से उधर ही सब। अरे देख लो दोस्तों, 100 मार्क से जब 80 मार्क हो गया, बाकी और कितना, 10 मार्क थोड़ी ना कट ऑफ जाएगा, 1 मार्क आधा मार्क ऐसे ही जाएगा। जिस स्टेटों में थोड़ा कम मार्क है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ट्रबल हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ झारखंड बिहार में थोड़ा इन लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का ट्रबल हो सकता है, जो 1 मार्क 0.5 मार्क जो रखे हैं, ठीक है।
तो यूपी वगैरह में, तो बाकी स्टेटों में तो जैसे आप लोग जानते हैं उड़ीसा बताया था मैं, कई वीडियो में बताया उड़ीसा में, और अपना जो साउथ एरिया में केरला तमिलनाडु और कर्नाटक, इस स्टेटों में तो कटअप ऐसे ही कम गए, और कटअप ज़्यादा भी जाएगा नहीं, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में थोड़ा कम जाएगा सिवाय आसाम को छोड़ के, आसाम में कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है चलिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई मतलब क्वेश्चन है भाई, क्या है क्या नहीं, आप लोग इसी वीडियो में जो वीडियो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दीजिए, और जो भाइयों ने सीआरपीएफ की पैरामेडिकल स्टाफ और एसएसबी का ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टाफ का फिजिकल तो स्टार्ट है, आप लोग को मालूम है ऑलरेडी, कुछ हमारा तो ओडिशा भुवनेश्वर से 19 तारीख से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है होगा ऑलरेडी 19 तारीख को, और पहले तो अभी जो अपना वो क्या बोलते हैं वो टेक्नीशियन वगैरह एएसआई जो नर्सिंग असिस्टेंट इन लोगों का तो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट चालू हो गया, जो एसके कुक और सफाई कर्मचारी इन लोगों का तो 17 तारीख से शुरू है ऑलरेडी। ठीक है अपना जनवरी 17 से शुरू है, तो कई सेंटर में भी शुरू हो गया होगा, तो उसकी बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल आप लोग को पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह की क्वेश्चन आएगा और क्या होगा मैं आप लोग को बताया, क्योंकि आप लोग को जानते हैं पिछले बार वीडियो बताया था 50 मार्क का मैथ्स जीके रीजनिंग के ऊपर आएगा क्वेश्चन, और 50 मार्क ट्रेड के ऊपर, आप लोग को मालूम नहीं होगा, मैं आप लोग को बताऊँगा कौन सा बुक पढ़ना है और क्या करना है जिस भाई ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती डाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।